हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। सो आई एम सुषमा साहू, नर्सिंग ऑफिसर। तो गाइस, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी बॉडी का जो इम्यून लेवल है वो कितना स्ट्रांग है, या आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका लेवल कितना है। तो आपने कोविड में एक वर्ड कई बार सुना होगा कि इम्यून लेवल, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो आपने ये सोचा कभी कि आखिर में जो इम्यून सिस्टम होता है, ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, आखिर में इसका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, और आपकी बॉडी में इसका जो लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो एक्चुअल में इम्यून सिस्टम को मापने का कोई भी मापदंड नहीं है। इसे आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो इम्यून लेवल है, इम्यून सिस्टम है, वो कितना है। चलिए थोड़ी सी एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझते हैं कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास दो डस्टबिन हैं, एक नीट एंड क्लीन है और एक में गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट भरा हुआ है, बहुत ही गंदी डस्टबिन है। अब आप ये सोचिए कि जो मक्खी है, मच्छर है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो कौन से डस्टबिन में अपना अड्डा जमाएंगे, कौन सी डस्टबिन में वो अपना निवास स्थान बनाएंगे, किस डस्टबिन में वो जाकर बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप सभी का यही जवाब होगा कि जो नीट एंड क्लीन है उसको, उसमें कूड़ा करकट नहीं है तो उसमें मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे। जिसमें गार्बेज भरा हुआ है, कूड़ा करकट है, गंदगी है, उसी में जाके मच्छर मक्खी और जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु है, वो जाके अपना निवास स्थान बनाएंगे। सेम यही जो प्रोसेस होती है अपनी बॉडी के साथ में होती है। अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से नीट एंड क्लीन रखते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी में हेल्दी फूड्स डालते हैं, आप जो भी खाते हैं वो हेल्दी डाइट होती है, आप जो भी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को अंदर से नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो आपकी बॉडी अंदर से नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु नहीं बैठने की कोशिश ही नहीं करता है। इसके आप विपरीत ले लीजिए, अगर आप अपनी बॉडी में फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी, मतलब प्रोसेस्ड फूड, कई सारी अनहेल्दी चीज़ें अगर आप अपनी बॉडी में डालना शुरू करते हैं, खाते जाते हैं, अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है अंदर से अनहाइजेनिक हो जाती है, उसमें कई तरीके के कूड़ा करकट लाइक दैट की अनहेल्दी चीज़ें वो भरी रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी बॉडी में अनहेल्दी चीज़ें हैं तो जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी रोग है और डिजीज़ है, वो आपकी बॉडी को में मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं उनको, और आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अब आपने कोई हेल्दी चीज़ें तो ली नहीं हैं, और अगर आपने हेल्दी चीज़ें ली भी हैं तो उससे ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें ली हैं, तो आपकी जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम क्रिएट ही नहीं होता। क्योंकि जब तक आप अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, जब तक आप अच्छा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप कोई योगा, व्यायाम और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी क्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो आप बैक्टीरिया, वायरस के जो अटैक है उससे कैसे बचेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ठीक है, अगर बाय द वे आप नीट एंड क्लीन भी हैं, आप किसी भी बीमारी के टच में आए, किसी बैक्टीरिया, वायरस के टच में आते हैं, तो इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून लेवल अच्छा है, स्ट्रांग है, तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या बीमारी के संपर्क में जब भी आप आते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और बिल्कुल सोल्जर की तरीके से काम करता है और उस बीमारी के प्रति लड़ाई करना शुरू करता है और आपकी बॉडी को सेफ बनाता है। वहीं अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो जो भी रोग है, बीमारियां हैं, उनसे आप तुरंत ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि आपका सोल्जर तो कमज़ोर है, सामने वाले के एनिमी के अटैक को तो वो सहन नहीं कर पाता है और खुद ही धराशायी हो जाता है। तो सामने वाला जो बीमारी है, बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी पर अटैक कर लेता है, कब्जा कर लेता है और आप बीमार हो जाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो इम्यून सिस्टम है किस तरीके से कमज़ोर होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है आपकी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए। तो आपकी बॉडी को, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करना है, यानी कि स्ट्रांग करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, स्वस्थ बनाना है। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि आखिर में इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और अब हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी का जो इम्यून लेवल है वो अभी कितना है।
अभी आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अभी तुरंत आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं और आपकी जो बॉडी है उसमें इम्यून लेवल कितना है। तो चलिए इसे हम हमारे वेदों में एक श्लोक के थ्रू ये पता चलता है कि आपकी जो बॉडी है उसका इम्यून लेवल आप नाप सकते हैं कि आखिर आपकी बॉडी में कितना इम्यून सिस्टम है। तो चलिए हम ये एक श्लोक आपको बताते हैं जिसके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कितनी है। देहे सर्वत्र चोषणस्य समता लाघवम सुखम क्षत तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मनसोपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम च कर्मसु स्वतः स्वेदो गमः काले स्वस्थताम लक्ष्यन्ति। तो जो ये श्लोक है इसके थ्रू आप 8 लक्षण देख सकते हैं अपनी बॉडी में। इन 8 लक्षणों में से यदि सारे लक्षण आप पर पाए जाते हैं तो आप अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता से संपूर्ण मान सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप एक पेन कॉपी अपने पास रख लीजिए और हम 8 लक्षण बताएंगे, मतलब इस श्लोक के अर्थ बताएंगे कि आखिर में ये कहना क्या चाहते हैं, और वो सारे लक्षण आपसे अगर मिलते हैं तो हर एक लक्षण पर अपने आप को एक पॉइंट आपको देना है। अगर वो लक्षण आपको नहीं मिलते हैं अपनी बॉडी पर तो वहाँ पर आपको 0 रखना है। तो अभी आप एक पेन कॉपी लीजिए और आगे बढ़िए इस श्लोक के अर्थ के लिए। तो पहला जो इसका अर्थ है वो ये है कि आपका जो पेट है वो बिना किसी चूर्ण, बिना किसी गोली, बिना किसी टॉनिक के बिल्कुल भी फ्रेश, मॉर्निंग में फ्रेश हो जाता है। क्या ये आपके साथ में हो रहा है? फिर से समझिए, अगर आपका जो पेट है वो बिना किसी चूर्ण, बिना किसी गोली, बिना किसी भी अन्य दूसरी चीज़ों के उपयोग में लाए बिना मॉर्निंग में सुबह उठते ही अगर आप फ्रेश होते हैं तो अपने आप को एक पॉइंट दे लीजिए, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इस मामले में बिल्कुल भी सही है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 0 रखिए। अब इसमें सेकेंड चीज़ है जो, वो ज़रूरत से ज़्यादा वजन का नहीं होना, यानी जो आपका वेट है बीएमआई के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही जा रहा है या नहीं। बीएमआई के अकॉर्डिंग का देखने का मतलब आपकी जो एज है और आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट सही होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आपका जो वेट है वो आपकी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही होना चाहिए। आप आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, 1 से 2 किलो का वजन, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट अगर आपका वेट बीएमआई के अकॉर्डिंग सही है तो भी आप अपने आप को एक नंबर दे सकते हैं। नहीं है तो आप अपने आप को 0 रखिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ये नापने का एक तरीका है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो इम्यून लेवल है वो कितना है। अब तीसरा है क्लियर स्किन। आपकी जो स्किन होती है, स्किन का जो सिम्टम्स होते हैं वो आपकी बॉडी का बिल्कुल मिरर होता है। आपकी बॉडी अगर अंदर से नीट एंड क्लीन है, अंदर से फ्रेश है, तो जो आपकी स्किन होगी वो भी बिल्कुल फ्रेश होगी। उसमें किसी भी तरीके के रैसेस नहीं होंगे, एक्ने नहीं होगा, किसी भी तरीके का पिंपल्स नहीं होगा, किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन एंड हाइजेनिक नहीं होती है। तो अगर आपकी जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, तो अपने आप को आप एक नंबर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जो चौथा नंबर है वो है आलस्य का नहीं होना। आपका जो शरीर है, जैसे आप सो के उठते हैं तो मॉर्निंग में आप जब सो के जगे तो बिल्कुल फ्रेश रहें, आप एनर्जेटिक रहें पूरा दिन भर से, आपको ऑल टाइम थकान नहीं लगनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन भर आलस्य आ रही है, नींद आ रही है, आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो ये समस्या आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑल टाइम एनर्जेटिक रहते हैं, तरोताजा फील करते हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पर एक नंबर का पॉइंट दे सकते हैं। अगर ये समस्या आपके साथ में होती है, आलस्यपन रहता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, तो अपने आप को यहाँ पर आप 0 मार्क्स देंगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर पर। तो आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगनी चाहिए। तो ये जो बात है वो बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है एक्चुअल में, लेकिन ये समस्या आपके साथ में तभी होगी जब कई सारी चीज़ें, इससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगे। तो आपको बिल्कुल एक रूटीन बना के रखना है और एक सीक्वेंस पर ही खाना खाना है। तो आपको एक दिन में कम से कम 2 बार ऐसी भूख जोरों से लगनी चाहिए कि नहीं, अब मुझे खाने की ज़रूरत है। और एक्चुअल में खाना भी आपको तभी खाना है जब आपको अच्छी जोरों की भूख लगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ ना कुछ दिन भर अपने बस डाल रहे हैं, डाइजेस्ट अच्छे से हो नहीं रहा है, हीलिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब अच्छे से जोरों की भूख लगे तो ही आपको डाइट अपनी लेनी है, यानी कि खाना खाना शुरू करना है।
तो ये जो चीज है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज आपके साथ में हो रही है, आप अपने आप को 1 पॉइंट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है यानी कि 6 नंबर, छठा पॉइंट ये है कि गाढ़ निद्रा, यानी कि आपको गहरी निद्रा में होना चाहिए। आप जब भी सोने जाते हैं बिस्तर में, तो आपको ऐसा नहीं होना है कि आप बिस्तर में कई देर से लेटे हुए हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है। नींद आती भी है तो अच्छी गहरी नींद नहीं आती है, तो ये समस्या आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। नींद ऐसी होनी चाहिए कि आपने बिस्तर में लेटे और आपकी जो नींद है वो 5 मिनट में आ जानी चाहिए। 5 से 10 मिनट में आप अच्छी गहरी नींद में सो जाएं और फिर सुबह नींद आपकी खुले। तो ये गाढ़ निद्रा होती है, यानी कि ये गहरी निद्रा होती है, और यही आपकी बॉडी में एक्चुअल में इसी की आपको ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे ऐसे हीलिंग पावर होते हैं जो सिर्फ नींद में ही कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेगी मॉर्निंग में, जब भी आप सोकर उठते हैं। तो जो आपकी नींद है वो बिल्कुल गाढ़ निद्रा होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए। तो अगर आप गहरी नींद लेते हैं, आपको गहरी नींद आती है, तो अपने आप को आप 1 पॉइंट दे लीजिए। अब नेक्स्ट है प्रसन्नता का अनुभव, यानी कि आपका जो मन है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका जो माइंड है, मन है, बिल्कुल भी प्रसन्नता से, सुख से, शांति से भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल आपको एनर्जेटिक फील करना है, आपको खुशी का मतलब आपका जो माइंड है वो बिल्कुल खुश होना चाहिए। अगर ये चीज़ भी आपके साथ में हो रही है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट 8 पॉइंट ये है कि आपको किसी भी तरीके का बॉडी पेन नहीं होना चाहिए। कई सारे लोगों को ऐसे रहता है, अरे मेरा तो आज कंधा दुख रहा है, मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी पीठ दुख रही है। ऐसा नहीं होना है। आपकी जो बॉडी है किसी भी तरीके से कहीं से भी आपको आवाज़ नहीं करनी चाहिए कि अरे यार आज यहाँ पर अटेंशन मिलनी चाहिए मुझे, आज यहाँ दुख रहा है। आप जहाँ आपने कोशिश किया, मतलब कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि जब किसी भी पार्ट में, बॉडी पार्ट में थोड़ी सी दर्द रहता है या वो थोड़ी सी ठीक नहीं होता है, तो आपका जो माइंड होता है, अटेंशन होती है आपकी, वो बिल्कुल वहीं जाके टिक जाती है। तो कुछ जो कोई भी आपका जो बॉडी पार्ट है ना, वो आपको बुलाना नहीं चाहिए कि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझे देखो, मुझे दुख रहा है, यहाँ पे दुख रहा है। तो ऐसा नहीं होना है। आपकी जो बॉडी है बिल्कुल फिट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसा है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल हाई मतलब फिट है, ठीक है, अच्छा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, तो अपने आप को आप 1 पॉइंट दे सकते हैं। तो चलिए, ये हो गए 8 पॉइंट जिसके बारे में हमने अभी बात किया। अब आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आपने 8 में से अपने आप को कितने पॉइंट दिए हैं, 5, 6, 7, 8, कितने पॉइंट्स हैं आपके पास। आप अब ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कितना है, लेवल जो है इसका वो कितना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कितना स्ट्रांग है और किस तरीके से काम करता है, और बीमारियों को दूर कितने हद तक कर सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम 8 to 8 है, तो ये मान लीजिए कि आप बीमारियों से बिल्कुल भी दूर हैं। अगर कोई भी बीमारी आपके अटैच में आती है तो आप उससे छुटकारा तुरंत पा सकते हैं, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आपके पास जो सोल्जर है वो इतना स्ट्रांग है कि उस बीमारी को, रोग को बिल्कुल मारकर भगा देगा, वो आपके पास आने नहीं देगा। लेकिन अगर आपका जो इम्यून सिस्टम कम है, तो वो फिर बीमारियां आपके आपके बॉडी को अपना घर बना सकती हैं। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत ये है कि अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाना है, अगर वीक है तो, और अगर स्ट्रांग है तो उस स्ट्रांगनेस को कंटिन्यू बनाए रखना है, ताकि जो आपका इम्यून लेवल है वो कंटिन्यू ऐसे ही बना रहे और आप ऐसे ही स्वस्थ रह सकें। तो गाइज, आपको ये वीडियो में समझ आ चुका होगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, और इम्यून लेवल को जो टेस्ट करने का तरीका है, मापदंड है जो इसका, वो आपको पता चल चुका होगा कि आपकी बॉडी में इस वक्त कितना है, जो इम्यून सिस्टम का लेवल होता है वो कितना है। तो गाइज, आई होप कि हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।